नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। जे तुसी पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देना है तो यह गल याद रखो, हर पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, रीजनिंग अते पंजाब जी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपां एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तो अलावा इंग्लिश अते कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपां देखने को मिलते हैं, बट बहुत ही घट नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश एंड कंप्यूटर रिलेटेड आपां एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड स्पैशली ग्रुप सी ते ग्रुप डी दी जी पोस्टां ने उन्हां विचों तां नाम मात्र ही जी इंग्लिश अते कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही कम तो कम 70% एग्जाम के क्वेश्चन कवर करते हैं। हुण जिवें कोरपोरेटिव बैंक दी पोस्ट आई ने, ते इस तों इलावा SBI क्लर्क दी पोस्ट आ चुकियां ने, ते पंजाब पुलिस दी भी पोस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है, ते जेल वार्डर दी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। यह चार पोस्टों में कोई भी पोस्ट अप्लाई की तो तुम्हें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, रीजनिंग और पंजाब जीके पढ़नी जरूर पवेगी। एंड आने वाले फ्यूचर एग्जाम में जो भी पोस्टा आनगियां उन्होंने वास्ते भी तुम्हें जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जरूर पढ़नी पवेगी। सब तो पहला जनरल नॉलेज की गल कर लिए, जनरल नॉलेज की आपको पूछने को मिलता है एग्जाम में, तो जनरल नॉलेज की गल करिए टॉपिक वाइज इनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इकनोमिक्स, जनरल पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान रिलेटेड क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तो बाद अवार्ड्स रिलेटेड भी कि अवार्ड किसू मिले से, कदों मिले से, इस रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और स्पोर्ट्स रिलेटेड कि खेड कि गेम कितने कदों किस तरह हुई सी, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सब तो ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज में, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कम तो कम 12 तो 13 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में जनरल नॉलेज के अंदरों, साइंस के कम तो कम 12 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम जनरल साइंस का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है विटामिन और उसके रसायनिक नेम, मतलब जो विटामिन ABCDE आप सुनते हैं जिन्हें नाम उन्होंने कैमिकल नेम्स की होंगे ने, मतलब कि विज्ञानिक नाम की होंगे ने, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम तुम्हें देखने को मिलते हैं। जे एक एग्जाम में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्होंने 3 या 4 तुम्हें विटामिन रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने तो पहले जो कोई थोड़े मन में सवाल है तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल कर सकते हो। एंड यह वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, जो वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, जो सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब कर लो। सब तो पहला गल करिए विटामिन ए का जो रसायनिक नाम क्या, तो इसमें रेटिनॉल कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपको किमें देखने को मिल बनते हैं, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बन सकते हैं कि रैटिनॉल किस विटामिन का रसायनिक नाम है। आपको याद रखना होगा विटामिन ए का जो रैटिनॉल नाम है, ज इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 तुम जे देख सकते हो विटामिन बी का रसायनिक नाम की है, तो थायमिन विटामिन बी का रसायनिक नेम है। ओके दोस्तों, एक बार आप सारे विटामिन का रसायनिक नाम बारे एक बार जान लें, तो आप याद किमें रखने हैं, आप ट्रिक के अकॉर्डिंग या रिलेट करके किमें याद रखने उस बारे में तुम्हें दस देना मैं, क्योंकि दोस्तों जस्ट पढ़ के यह विटामिन याद रखने बहुत मुश्किल ने, इन्हों की आपको इमेज बनानी पैंती है माइंड के अंदर, ज याद रखना पैंता किसी रिलेट करके। जिम्मे विटामिन ए की गल करिए, A4 की होंगे दोस्तों, एप्पल होंगे। तो जो आप हम मार्केट में जावे एप्पल के रेट रेट रैटिनॉल तो मतलब आप रेट नाल आप रिलेट कर लेंगे, तो मार्केट में एप्पल के रेट ज़्यादा घट होंगे ने, मतलब किसी किसी शॉप पर घट होंगे ने, तो अगे किसी रेहड़ी पर जाइए तो उत्थे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उस तो अगे होर घट मिल जाते, तो आप इस तरह ईजीली रिलेट कर सकते हैं। विटामिन ए का जो एग्जाम में अपन क्वेश्चन देखने को मिल गया कि विटामिन ए का रसायनिक नाम दसो, तो जिवें ही अपने माइंड में विटामिन ए आता है तो ए नाल आप एप्पल याद आ जूगा अपन ईजीली, तो एप्पल जो आप 4 ऑप्शनों में देखा तो रैटिनल दा रेट याद आ जाऊ अपन, ठीक है। इस तरह याद करते होंगे ने, यह ज़्यादा लोंग टाइम तक अपन याद रहता, जो आप रट्टे लावे तो अपन घट टाइम तक ही याद रहेगा, तो करके किसी नाल भी रिलेट कर लो, फैमिली नाल रिलेट कर लो, किसी रिश्तेदार नाल रिलेट कर लो, जिस मर्जी नाल तुहानू ईजी लगे तुसीं रिलेट करके याद करने की कोशिश करा करो। विटामिन बी दे रसायनिक नाम की गल करिए, थायमिन विटामिन बी का रसायनिक नाम है। हुण इसनों रिलेट किवें करना, B1B तो आपां बॉयल ला लेंगे जां बॉक्स ला लेंगे, तो हम आप याद कर सकते एक बोए था या एक बॉक्स था, थायमीन मीन के अंदर जमीन के अंदर, ठीक है, इवें पर रिलेट करना बस। मैं तो दोस्तों इसी ट्रिक नाल याद करता हूँ तो मैं ईजीली याद रह जाते, उम्मीद है तुम्हें भी यह ट्रिक सही लगेगी तो भी याद रह जाएंगे। विटामिन 2 की गल करिए,
B2 तो आपां नूं याद आउंदा एक नॉर्मल कॉमन जिहा नेम हुंदा आपणे पंजाब विच, बिट्टू नाम दा कोई भी मुंडा है ते ओह कोई मैच खेडण गया सी ते विन कर गया, जित कर गया। ठीक है, तां इस रिलेट हो गया। तां विटामिन बी दा जिहड़ा रसायनिक नेम है ओह रिबोफ्लाविन इज़ अ पूरा जिहड़ा रसायनिक नेम है। ते विटामिन B3 दी गल करिए तां रसायनिक नेम नियासिन है। ते हुण B3 तो आपां याद रिलेट कर सकदे हां कि भाई मैनूं 3 दिन हो गए की नियासिन क्रिएट कीता होया तूं, ईजीली याद हो जू, B तो 22 हो जू, 3 दिन हो गए तो की नियासिन आपां नूं क्रिएट किया होया। ये तो विटामिन B3 का नियासिन रसायनिक नेम है, ईजीली याद रह जू आपां नूं। तो विटामिन B5 की गल करिए इसका रसायनिक नेम पेंटोथीनिक एसिड है। तो हुण नॉर्मल जी तरीका इसनों याद करन दी, देखो बॉयज़ कोई भी पेंट लेने तो पहला मार्केट में जाते हैं पेंट पेंटोथीनिक, तो मतलब पेंट ना आप याद कर लेंगे, पेंट लेने जाने घट्टो घट्ट सस्ती तो सस्ती पेंट 500 रुपए तो घट नहीं मिलती, सब बॉयज़ को पता, मतलब कि घट सस्ते तो सस्ता ब्रांड भी 500 तो घट नहीं आता है ना। तो आप इजीली याद कर सकते हैं B5 तो पेंटोथोनिक एसिड याद रख सकते हैं। विटामिन B6 की गल करिए पेरीडॉक्सिन जिहड़ा विटामिन B6 का पूरा रसायनिक नेम है। तो विटामिन 7 की गल करिए, B7 की गल करिए बाइटोन जिहड़ा इसका रसायनिक नेम है। तो इस ओके दोस्तों अगर चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन, जो तुम साइंस पोल्ट्री और कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF फाइल जो प्रीवियस एग्जाम में ज उन्होंने रिलेट करते हैं क्वेश्चन की PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो, जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है। यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके कि तुम वो परचेज कर सकते हो एंड अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन नू बैटर बना सकते हो। ओके दोस्तों, हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तां करके रिलेट तुसी आप कर लो जिमें भी तुहानू माइंड विच सैट होवे। तां मैं जल्दी नाल जिहड़े भी अपने विटामिन्स दे रसायनिक नेम ने तुहानू समझा दिंदा। विटामिन B9 की गल करिए फोलिक एसिड इज़ अ रसायनिक नेम है, तो एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया। तो विटामिन B11 की गल करिए दोस्तों, सालिसिलिक एसिड विटामिन B11 नूं कहा जाता है। तो मैं ये किवें याद रखा हुआ है कि मेरे जिहड़े ब्रदर ताए दे मुंडे दी साली है वो 11 सालां दी है, तो उस लाइन भी नहीं मैं मार सकता, मतलब मजाक कर रहा है, ये बस याद करने लिए रखा हुआ है, बट इस तरह तो मैं बंदा नहीं हाँ। तो विटामिन B12 की गल करिए दोस्तों, साइनोकोबलामीन विटामिन B12 का रसायनिक नेम है। इस अलावा विटामिन C की गल करिए दोस्तों, एस्कोर्बिक एसिड विटामिन C नूं कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, तो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन D की गल करिए दोस्तों, कैल्सीफोरल इसका रसायनिक नेम है। इसको याद किमें करना, D तो आप दंद रिलेट कर लेंगे, D मतलब दंद, तो दंदा विच अपने कैल्शियम होंगे है, तो हड्डिया तो दंदा विच कैल्शियम होंगे है, तो इतने भी अपन कैल्सीफोरेल तो कैल्शियम याद आ जाएगा। इस तो विटामिन E की गल करिए दोस्तों, टोकोफ्रोल इस विच होंगे है। तो विटामिन K की गल करिए फाइलोकुनीन इस विच पाया जाता है, पाया जाता नहीं मतलब इसका रसायनिक नेम है। ओके दोस्तों, ये सारे इंपोर्टेंट विटामिन द कैमिकल नेम से, तो करके इसमें याद कर लो चंगी तरह। तो हूँ थोड़े जे क्वेश्चन ने मतलब कि जेडे एग्जाम बने ने एक दो, उन्होंने भी आप थोड़ा राइट डाउन कर लेने। तो विटामिन्स के अध्ययन की कहा जाता, तो विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन कहा जाता, तो पंजाबी गल करिए तो विटामिन विज्ञान इसमें कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि कहड़ा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन KETA जेडे ये विटामिन ने चार वसा में घुलनशील ने, इसमें आप नॉर्मल याद किमें रखना, कीड़ा बन जाता है दोस्तों KEDA कीड़ा। तो जी एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को आ गया कि विटामिन केड़ा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो अपन कीड़ा याद रखना माइंड में KEDA कीड़ा। ओके दोस्तों, रैटिनल किस विटामिन का नाम है, यही विटामिन ए का। तो विटामिन B1 का रसायनिक नाम क्या, थायमिन। तो इस तो अलावा पंजवा क्वेश्चन तुहाडे पास है विटामिन B6 की आप गल की सी, उसका रसायनिक नेम की है, तुम यह वीडियो में कमेंट करके मैं दस दोगे। हाँ जी, वीडियो ध्यान नाल देखिए तो इस सवाल का जवाब जरूर तुम कमेंट में कर दोगे एंड जे इस टाइप की होर तुम्हें वीडियोज़ चाहिए ने तो वीडियो में कमेंट करके मैं दस दौ कि नैक्सट वीडियो तुम्हें कि टॉपिक के चाहिए ने, उस टॉपिक रिलेटेड तुम्हें वीडियोज़ अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। हूँ जो तुम वीडियोज़ में प्रोवाइड करना चाहते हो तो साडा चैनल सबसक्राइब करना पड़ेगा, जे यह वीडियो बेनीफिशियल लगी है तो वीडियो में लाइक करना पड़ेगा एंड एक प्यारा जहा कमेंट भी कर